स्टूडेंट्स, मैं आर के अलड़िया आपका स्वागत करता हूँ जीपीसी सीकर ई लेक्चर्स चैनल में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इससे पहले हम डायोड, बीजेटी वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम देखेंगे स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैज़ वन मेजर एडवांटेज over its standard BJT bipolar transistor cousin in that their input impedance is very high. जो FET का impedance है, input impedance, वो transistor के comparison में बहुत ज़्यादा है, thousands of ohm, यानी कि किलो ohms में है। While the BJT is comparatively low, BJT का जो input impedance है वो बहुत ही कम है, तो ये FET की बहुत बड़ी एक advantage है। This very high input impedance makes them very sensitive to input voltage signal. तो ये जो इसकी input impedance की जो खासियत है, ये इसको sensitive बनाती है बहुत ज़्यादा input voltage signal के। But the price of this high sensitivity also means that they can be easily damaged by static electricity. अब इस high input impedance की एक disadvantage ये है कि ये static electricity से बहुत जल्दी डैमेज हो सकते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ FET, द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर JFET एंड द इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर IGFET, जो कि आजकल अपन जिसको बोलते हैं, विच इज मोर कॉमनली नोन एज स्टैंडर्ड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि MOSFET। IGFET को अपन MOSFET बोलते हैं उसके कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसके बाद हम देखेंगे MOSFET। तो चलिए स्टार्ट करते हैं JFET। देर आर टू बेसिक कॉन्फिग्रेशंस ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो JFET के दो तरह के कंस्ट्रक्शंस हैं, दो तरह की बेसिक कॉन्फिग्रेशन है, एन चैनल JFET एंड पी चैनल JFET। The N-channel JFET's channel is doped with donor impurity. जो N-channel है उसमें donor impurity से doping ज़्यादा होती है, meaning that the flow of current through the channel is negative. Donor impurity क्या करेगी, electrons donate करेगी, hence तो उसकी वजह से क्या होता है, जो current जो flow होगा, majority जो charge carrier होंगे इसमें electrons होंगे, hence the term N channel, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं N channel JFET in the form of electrons. Likewise the P channel JFET, अब इससे उल्टा होगा, P channel में जैसे N channel में अपन ने डोपिंग की थी डोनर इम्प्योरिटीज से, P channel में डोपिंग करेंगे अपन एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज से। The P channel JFET channel is doped with acceptor impurities, meaning that the flow of current through the channel is positive, hence the term P channel, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं P channel, क्योंकि जो current flow होगी वो होगी positive charge carrier means holes, in the form of holes. N channel JFET have a greater channel conductivity, but N channel के advantage क्या है कि इस की जो कंडक्टिविटी है वो पी चैनल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। क्यों? सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैव अ हायर मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो होल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। दिस मेक्स द एन चैनल JFET अ मोर एफिशिएंट कंडक्टर कंपेयर्ड टू देयर पी चैनल काउंटरपार्ट, इसलिए जो एन चैनल JFET है वो बहुत ज़्यादा काम में भी लिया जाता है और इससे ज़्यादा एफिशिएंट भी है पी चैनल से। तो कुछ ये बेसिक सिंबल हैं JFET के, ये दोनों अपने हैं एन चैनल JFET के, ये इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया और ये सिंबल हो गया एन चैनल का, और ये पी चैनल का कंस्ट्रक्शन हो गया और ये इसका सिंबल। तो एन चैनल JFET का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है, ये एन टाइप की सबस्ट्रेट है, यानी कि इसमें डोनर इम्प्योरिटी ज़्यादा है
और ये पी टाइप दोनों साइड में है, इसके पी टाइप सेमीकंडक्टर और इस साइड में भी पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिससे कि अपन ने बनाया है गेट टर्मिनल। गेट टर्मिनल कनेक्टेड है आउटर पी लेयर से, और जो बीच में जो एन टाइप सबस्ट्रेट है उससे अपर साइड में अपन ने इसको कनेक्ट किया है ड्रेन टर्मिनल से, और जो नीचे का टर्मिनल है वो है अपना सोर्स टर्मिनल। ऐसे ही इसमें पी चैनल में जस्ट अपोजिट होगा, एन की जगह पर पी और पी की जगह पर एन, ये इसका सिंबल है एन चैनल का। एन चैनल में जो है यहाँ से करंट इनवर्ड्स होगी, और जबकि पी चैनल में करंट आउटवर्ड्स होगी। इस टर्मिनल को अपन बोलते हैं गेट, ये टर्मिनल ड्रेन सोर्स, और गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज है VGS, ड्रेन सोर्स के बीच में वोल्टेज VDS, ड्रेन से जो करंट फ्लो होगी IDS और गेट से करंट फ्लो होगी IGSS। इसी तरह से पी चैनल JFET में बाइसिंग ऑफ एन एन चैनल JFET, द क्रॉस सेक्शनल डायग्राम शोज एन एन चैनल सेमीकंडक्टर चैनल विद पी टाइप रीजन कॉल्ड द गेट डिफ्यूज्ड इनटू द एन टाइप चैनल। जैसा कि हमने देखा था ये आउटर साइड में पी टाइप गेट और ये भी आउटर साइड में पी टाइप गेट और बीच में ये एन टाइप की सबस्ट्रेट, फॉर्मिंग अ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन एंड इट इज दिस जंक्शन विच फॉर्म्स द डिप्लेशन रीजन अराउंड द गेट एरिया व्हेन नो एक्सटर्नल वोल्टेजेस आर अप्लाइड। तो जब यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पर ये डिप्लेशन लेयर बनी रहेगी। JFETs आर therefore known as depletion mode device, इसीलिए इसको depletion mode device बोलते हैं। This depletion region produces a potential gradient which is of varying thickness, ये जो depletion region है ये यहाँ पर potential gradient produce करती है जिसकी thickness हम vary कर सकते हैं applied voltage के according around the PN junction and restrict the करंट फ्लो थ्रू द चैनल बाय रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिव विड्थ। अब उस वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके हम डिप्लेशन जो लेयर है उसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही करंट फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं एंड दस इंक्रीजिंग द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द चैनल इट्सेल्फ। देन वी कैन सी दैट द मोस्ट डिप्लेटेड पोर्शन ऑफ द डिप्लेशन रीजन इज इन बिटवीन द गेट एंड द ड्रेन। जो मोस्ट डिप्लेशन रीजन कहाँ पर है, गेट और ड्रेन के बीच में। देखिए इस साइड में डिप्लेशन लेयर जो है ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, और जो मोस्ट ऑफ द डिप्लेशन रीजन कहाँ पर है, अपना गेट और ड्रेन के बीच में। व्हाइल द लीस्ट डिप्लेटेड एरिया इज बिटवीन गेट एंड सोर्स, देन JFET चैनल कंडक्ट विद जीरो बायस वोल्टेज अप्लाइड विद नो एक्सटर्नल गेट वोल्टेज। अगर गेट वोल्टेज जीरो है एंड अ स्मॉल वोल्टेज VDS, ड्रेन सोर्स के बीच में अपन ने वोल्टेज अप्लाई किया है यहाँ पर VDS सपोज, देन मैक्सिमम सैचुरेशन करंट IDSS विल फ्लो थ्रू द चैनल फ्रॉम द ड्रेन टू सोर्स। तो यहाँ से ड्रेन से सोर्स की तरफ एक करंट फ्लो होगा, ड्रेन टू सोर्स की तरफ एक करंट फ्लो होगा। रेस्ट्रिक्टेड ओनली बाय स्मॉल डिप्लेशन रीजन अराउंड द जंक्शन, जो कि उस करंट को रेस्ट्रिक्ट कौन करेगा, ये डिप्लेशन रीजन। इफ अ स्मॉल नेगेटिव वोल्टेज, अगर स्मॉल नेगेटिव गेट वोल्टेज यहां पर अप्लाई करें हम गेट पे माइनस VGS, ये यहाँ पर ये कनेक्शन यहाँ पर है नहीं, यहाँ कनेक्शन इसका यहाँ पर होगा गेट पे, इज अप्लाइड टू द गेट द साइज ऑफ डिप्लेशन रीजन बिगिंस टू इंक्रीज।
अगर नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर अपन अप्लाई करेंगे तो ये जो डिप्लेशन रीजन है इसकी साइज बढ़ना स्टार्ट होगी और ये जो बीच में जो चैनल है जहाँ से करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज हम बढ़ाएंगे डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज होती जाएगी और उसको जो पाथ है वो कम मिलेगा करंट को फ्लो होने के लिए, रिड्यूसिंग द ओवरऑल इफेक्टिव एरिया ऑफ द चैनल एंड दस रिड्यूसिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अ सॉर्ट ऑफ स्क्वीजिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस। जब नेगेटिव वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे गेट पे तो यहाँ से करंट का फ्लो होना कम होता जाएगा धीरे धीरे। सो बाय अप्लाइंग अ रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन विच इन टर्न रिड्यूसेस द कंडक्शन ऑफ चैनल। तो अगर गेट पे अपन नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें तो उससे अपन करंट के फ्लो को कम कर सकते हैं। सिंस द पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड लिटिल करंट विल फ्लो इनटू द गेट कनेक्शन। As the gate source voltage is made more negative, the width of the channel decreases until no more current flows between the drain and the source, and the FET is said to be pinched off. यानी कि pinched off मतलब इसको एकदम से अपन ने स्क्वीज कर दिया, दबा दिया। अगर अपन गेट पे रिवर्स वोल्टेज या नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दे तो करंट धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। द वोल्टेज एट विच द चैनल क्लोजेज इज कॉल्ड द पिंच ऑफ वोल्टेज। तो उस वोल्टेज को अपन बोलेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज, जहाँ पर उसका कंडक्शन रुक जाएगा यानी कि चैनल एक तरह से क्लोज हो जाएगा, चैनल क्लोज होने से करंट का फ्लो रुक जाएगा, तो उस वोल्टेज को बोलेंगे अपन पिंच ऑफ वोल्टेज VP। ये इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है JFET की, जो कि है अपना ड्रेन करंट ID जो कि है मिली एम्पियर में, और VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS जो कि है वोल्ट्स में। ये इसका पिंच ऑफ रीजन है जहाँ पर करंट का फ्लो एकदम से स्टॉप हो गया, ये इसका ओमिक रीजन है और ये सैचुरेशन रीजन। और अगर ये वोल्टेज एक लेवल से अपन और ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा इसका। इसमें ये जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक अपन ने प्लॉट किए हैं, अलग अलग कर्व जो प्लॉट किए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट गेट वोल्टेज के लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए गेट वोल्टेज जीरो, तो ये वाली करंट फ्लो हो रही है। गेट वोल्टेज अगर अपन नेगेटिव में इंक्रीज करते चलें तो करंट की वैल्यू भी कम होती जाएगी फॉर सेम वोल्टेज, और यहाँ पर आकर ये पिंच ऑफ हो जाएगी यानी कि रुक जाएगी करंट। ये इसका सर्किट डायग्राम है। इस तरह द वोल्टेज VGS अप्लाइड टू द गेट कंट्रोल्स द करंट। तो हमने ये देखा कि जो VGS है गेट पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो करंट को कंट्रोल कर रहा है, फ्लोइंग बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स, ड्रेन और सोर्स के बीच में जो करंट फ्लो रही है उसको। VGS रेफर्स टू द वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द गेट एंड द सोर्स, वाइल VDS रेफर्स टू द वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। तो VGS गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई किया अपन ने वो है, ये देखिए सर्किट में दिखा रखा अपन ने, यहाँ पर ये गेट टर्मिनल है इसका, गेट और सोर्स के बीच में ये वोल्टेज अप्लाई कर रखा अपन ने VGS, और VDS है ड्रेन और सोर्स के बीच का वोल्टेज। बिकॉज अ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, नो करंट फ्लोज इन टू द गेट, देन सोर्स करंट IS फ्लोइंग आउट ऑफ द डिवाइस इक्वल द ड्रेन करंट फ्लोइंग इन टू इट, एंड देयर फॉर ID इज इक्वल टू IS। क्योंकि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है तो नो करंट फ्लोज इन टू द गेट, गेट में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो जो ड्रेन करंट है इक्वल टू होगी सोर्स करंट के। The characteristic curves example shown above shows the four different regions of the operation for a JFET and these are given as, देखिए यहाँ पर चार region अपन ने देखे थे, ओमिक region, saturation region, breakdown region and ये pinch off region, तो इनको one by one देखते हैं। ओमिक region, when VGS equals to zero, ये कब होगा, जब gate टू सोर्स वोल्टेज अपन ने अप्लाई नहीं किया है उस केस में VGS इक्वल्स टू जीरो।
द डिप्लेशन लेयर ऑफ द चैनल इज वेरी स्मॉल, तो डिप्लेशन लेयर भी बहुत कम होगी. एंड JFET एक्ट्स लाइक अ वोल्टेज कंट्रोलर कंट्रोल्ड रजिस्टर, तो JFET वोल्टेज कंट्रोल्ड रजिस्टर की तरह एक्ट करेगा. कट ऑफ रीजन, दिस इज ऑल्सो नोन एज पिंच ऑफ रीजन, वेयर द गेट वोल्टेज VGS इज सफिशियंट टू कॉज द JFET टू एक्ट एज एन ओपन सर्किट. तो ये जो रीजन कब अपने को मिलेगा, जब गेट वोल्टेज नेगेटिव गेट वोल्टेज अपन इतना बढ़ा दें कि करंट फ्लो होना बंद हो जाए. नेक्स्ट अपना सैचुरेशन या एक्टिव रीजन, द JFET बिकम्स अ गुड कंडक्टर एंड इज कंट्रोल्ड बाय द गेट सोर्स वोल्टेज व्हाइल द ड्रेन सोर्स वोल्टेज हैज लिटिल और नो इफेक्ट. ये मिलेगा अपने को कब, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज अपन ने अप्लाई कर रखा है और उसको अपन करंट को ड्रेन टू सोर्स जो करंट है उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज से. इस रीजन में ब्रेक डाउन रीजन, द वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स इज हाई एनफ टू कॉज द JFET's रेजिस्टिव चैनल टू ब्रेक. अब ब्रेक डाउन रीजन कब मिलेगा, जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को अपन एकदम से इंक्रीज कर दें. ये जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है इसकी वैल्यू अपन इसकी रेटेड वैल्यू से इंक्रीज कर दें, तब अपने को ये ब्रेक डाउन रीजन आपका कर्व मिलेगा. तो ये फोर रीजन्स हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स में. द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर अ पी चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आर द सेम एज दोज अबव, एक्सेप्ट दैट ड्रेन करंट ID डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज पॉजिटिव गेट सोर्स वोल्टेज. पी चैनल JFET जो है उसमें जस्ट इसका अपोजिट होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स जो कर्व हैं वो सेम होंगे. उस जैसे कि एन चैनल में अपन गेट टू सोर्स जो वोल्टेज है नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे थे करंट को कंट्रोल करने के लिए, इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा गेट वोल्टेज को करंट कंट्रोल करने के लिए. द ड्रेन करंट इज जीरो व्हेन VGS इक्वल्स टू VP. पिंच ऑफ वोल्टेज पे क्या होगा, ड्रेन करंट जीरो हो जाएगा. फॉर नॉर्मल ऑपरेशन VGS इज बायस्ड टू बी समवेयर बिटवीन VP एंड जीरो. तो जीरो और VP के बीच में उसको अपने को ऑपरेशन करने के लिए उसको बायसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पिंच ऑफ वोल्टेज पे तो ड्रेन करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसलिए जीरो और VP के बीच में कहीं उसका ऑपरेटिंग रीजन होगा. देन वी कैन कैलकुलेट द ड्रेन करंट ID फॉर एनी गिवन बायस पॉइंट इन द सैचुरेशन और एक्टिव रीजन एज फॉलोज. तो नेक्स्ट अपन देखते हैं MOSFET. तो MOSFET के लिए मैं अलग से एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा. तो यहाँ तक अपन कंप्लीट करते हैं इसको JFET को. JFET का अपन ने यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन देखा. ये बीच में इसके जैसे एन चैनल अगर JFET है तो बीच में एन टाइप की सबस्ट्रेट होगी और ये गेट के लिए पी टाइप आउटर साइड में होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये यहाँ पर ड्रेन का टर्मिनल होगा, ये सोर्स का टर्मिनल होगा और ये आउटर पी लेयर से गेट का टर्मिनल कनेक्टेड होगा. ये इसका कंस्ट्रक्शन, ये इसका सिम्बॉल. तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे MOSFET. थैंक यू, आज के लिए इतना ही.